हम जानते हैं कि हमारे हाईटेक ऑटोमोटिव स्किल डेवलपमेंट एकेडमी में मैकेनिकल डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन सर स्टूडेंट्स को क्या काम करा रहे हैं। हेलो सर, तो आज आप स्टूडेंट्स को क्या करा रहे हो? सर आज हम मैकेनिकल के स्टूडेंट्स को करवा रहे हैं कि कैसे ब्रेक लाइनिंग लगाना चाहिए, ब्रेक लाइनिंग लगाने का सही तरीका क्या है। तो कल हमने ट्रक खोला था, उसमें हमने बैरिंग चेक करने के लिए और ग्रीस करने के लिए व्हील को ट्रेनिंग के पर्पज से खोला था, लेकिन उसमें देखा हमने कि ब्रेक लाइनिंग जो है हमारे वो खराब है, तो हमने उसको घिसे हुए लाइनिंग को बदलने का फैसला किया। तो अभी नए लेदर लेके हम लोग लगाने की कोशिश कर रहे हैं और स्टूडेंट को बता रहे हैं कि कैसे लगाना चाहिए। वीडियो के थ्रू मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि जब हमको लाइनिंग लगाना है तो हमको ये पहले लाइनिंग उसके ऊपर रख के सुराख मिला लेने चाहिए, मिलाने के बाद और उसकी नीचे से सफाई करनी चाहिए। अगर नीचे से साफ होगा तभी ऊपर लाइनिंग ठीक लग पाएंगे। जैसा कि मैं इस शू में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमने पहले इसको क्लीन कर लिया है रिंगमार से, फिर क्लीन करने के बाद आप साफ सरफेस पे लाइनिंग रखा है और क्रॉस रिबिट डाल के उसका सारा सुराख चेक कर लिया है, ओके है, उसके बाद रिबिट करना है। तो फर्स्ट रिबिट जो हम लोग कर रहे हैं उसको सामने से कर रखा है और उसके क्रॉस वाइज हम लोग दूसरा रिबिट कर रहे हैं। तो इसको करते हुए हमको पहले जो रिबिट करने हैं वो किनारे वाले करने हैं और क्रॉस वाइज करने हैं। इतना ही करना है, बहुत ज्यादा इसको दबाना नहीं है, बहुत ज्यादा दबाने के बाद फिर वो रिबिट कमजोर पड़ जाती है। ठीक है, यू सी वन लाइन सेम लाइन। चार रिबिट करने के बाद क्रॉस वाइज हम लोग बाकी रिबिट लगा देंगे। दो दो करके लगा दो, एकदम से निकल जाएगा। ये सबसे ढीला, सबसे पहले ये करना चाहिए, ये भी ढीला, चलो कोई बात नहीं, एक एक करके डालो रिबिट। इसका मतलब हमारा साइज बिल्कुल ठीक है। थोड़ा टेढ़ा हो गया बोल्ट, लेकिन ये बोल्ट करने के बाद रिबिट करने के बाद हम लोग, तो अभी हम इस तरह से एक एक करके दोनों ब्रेक शू के लाइनिंग के सारे रिबिट लगा दिया है और ब्रेक शू लाइनिंग फिट होने के बाद हमारा चेक कर लेना दोबारा, कहीं भी क्रैक नहीं होना चाहिए, ब्रेक लाइनिंग बिल्कुल हमारा साफ होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने कोई गलती नहीं किया ब्रेक लाइनिंग लगाने में तो आपका लाइनिंग बिल्कुल अच्छी तरह से बैठ गया होगा, नीचे से गैप नहीं होना चाहिए इधर और क्रैक नहीं होना चाहिए कहीं से भी। तो अभी हमने ब्रेक लाइनिंग लगाने के बाद ब्रेक शू फिट करने हैं तो ब्रेक प्लेट में, तो उसके लिए हमने पहले एक साइड से ब्रेक शू और रोलर लगा लिए हैं, अब दूसरी साइड से लगा रहे हैं। इसके बाद हम लोग कैम को दोबारा सीधा करने के बाद ही ड्रम लगाएंगे, इसके बाद फिर हब को फिट करने का काम होगा। हाँ तो दोस्तों, अभी हमारा ब्रेक लाइनिंग लगाने का काम पूरा हो चुका है, उसको हम लोग फिट भी कर दिया है ब्रेक प्लेट के ऊपर और कैम को दोबारा में सेट कर दिया है, वो जो उसमें फिर एडजस्टमेंट की होती है उसको बाद में ज़ीरो करना पड़ता है। उसके बाद हम लोग हब फिट करेंगे, तो व्हील हब फिट करते हुए ये ध्यान रखना है कि जैसे बैरिंग है तो वो बैरिंग को जब हमको ग्रीस भरना है तो बैरिंग को ऐसे ग्रीस लगा के उसमें हमको अंदर पूरा पुश करना चाहिए, फिर इस पे लगाओ, फिर पुश करो, फिर लगाओ और फिर पुश करो, ऐसे करके जब आपके बैरिंग्स जो हैं उसमें बाहर की तरफ ग्रीस पूरी निकल आएगी, ऊपर से पुश करना है, साइड से ग्रीस लगाना नहीं है पहले, तो पूरा अंदर तक आपका ग्रीस जो है वो भरना चाहिए। तो पूरा भरने के बाद जब रोलर के अंदर ग्रीस चला जाएगा फिर आप ऐसे करके बाहर से लगा के उसमें लगा दो। तो अंदर भी थोड़ा ग्रीस लगा दिया है, अंदर पूरी तरह ग्रीस भरने के बाद
उसमें हमने बाहर बैरिंग रख दिया है। ठीक है, ठीक है जी। अब हम हब जो है वो एक्सल के ऊपर लगाएंगे। और इसी तरह हमने दूसरा बैरिंग भी भर लेना है। स्पेसर डाल दो अभी डाल दो, अंदर पुश करके रखो। करके छोड़ लगाओ। ठीक है बस हो गया, वो लगा दो। पहले ये पटा दो। ठीक है, बैरिंग फिट करने के बाद हम लोग सील का जो साइज है, स्पेसर जो सील के नीचे काम करता है, वो लगाएंगे। फिर हम लोग आपकी सील चेक कर लो, अगर ठीक है तो वही फिट करो, नहीं तो रिप्लेस करके लगाओ। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करो। लगाओ हल्का चोट लगाओ, ऐसे नहीं जाएगा जी। हल्का चोट के बाद फिर बराबर दोनों तरफ। हाँ, इसमें ध्यान रखना है कि एक साइड इसका अंदर की साइड आएगा, एक बाहर। तो अंदर की साइड जो साइड रखना है वो उसका गोल होता है साइड, और दूसरी साइड का हेक्सागनल होता है। तो हमको गोल वाला साइड जिसमें एक स्पेसर सा बना रहता है वो अंदर रखेंगे हम लोग। तो अब हमारा ये जो नॉट चेकनेट हब वाला, तो व्हील हब का चेकनेट टाइट करके हमने लॉक वाल वाली जगह तक टाइट कर दिया है। और उसके बाद हमने वहाँ पे एक लॉक नट बोर्ड लगाया जो चेकनेट को लॉक करता है। तो नट को लॉक करने के लिए चेकनेट वाला जो बोल्ट है वो लगाना है, और उसके बाद आप उसको टाइट कीजिए। एक विजेंद्र ध्यान रख, जो नट जिस साइड से लगा था पहले उसी साइड से लगाओ। अंदर का बाहर, बाहर का अंदर हो रहा है तो थोड़ा टाइट चढ़ रहा है वो। थोड़ा घुमाने के बाद ए से बैलेंस करने के लिए, घुमाने के लिए ए क्लीवर को ज्यादा उठा लेना चाहिए, फिर वो घूम जाता है टायर। जो तुमको ज्यादा घुमा के करना है ना वो ज्यादा उठाओ। ओके, ठीक है। टायर मारो, नीचे लगाओ, नीचे पहले नीचे। तो हमारा ब्रेक काम जो है वो हो चुका है, व्हील हमने लगा दिया, टाइट कर दिया। अब गाड़ी चला के गियर में डाल के हम लोग ब्रेक लगा के देखेंगे क्या हमारा ब्रेक काम कर रहा है। ब्रेक लगाइए। देखिए हमारा अभी टायर रुक रहा है। अभी हम स्टूडेंट से पूछ लेते हैं कि अगर उनको दोबारा काम करना पड़े क्या वो कर सकते हैं। पहली बात ही हम इस काम को कर सकते हैं अच्छे से। ओके,
ठीक है जी, थैंक यू। यानी जो हमने समझाया आपको समझ में आ गया काम? हाँ जी सर, 100% आ गया। ओके ओके, थैंक यू दोस्तों, वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।